हे गाइस, वेलकम टू कुकिंग खबीर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 5 मिनट में बनने वाला सिंपल इजी चटपटा कचालू चाट। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी चाट है। तो इस चाट को बनाने के लिए आपने लेना है पील्ड बॉयल्ड आलू, ठीक है। आप मीडियम साइज़ लें और छोटा लें, बड़े साइज़ वाला आलू इसमें ना यूज़ करें, ठीक है। और अब हमने इसको इस तरीके से कट करना है, गोल गोल ही कट करेंगे तो ये दिखने में भी अच्छा लगेगा और इसके अंदर जो हम सारे मसाले डालेंगे तो वो एब्जॉर्ब भी करेगा। और अब हमने इसको ट्रांसफ़र करना है एक डीप बोल में और इसमें डालेंगे ये खट्टी चटनी, ठीक है। तो खट्टी चटनी बनाने के लिए आपने लेना है 4-5 खटाई। इसको गुनगुने पानी में 20 मिनट के लिए भिगो दें। खटाई की जगह आप चाहें तो इमली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हमने मिक्सिंग जार में डालना है और 1/2 कप इसमें डालेंगे हम पुदीने के पत्ते और 4-5 हरी मिर्चें। और अब हमने इसको बिल्कुल फ़ाइन ग्राइंड करना है इस तरीके से। और अब मिक्सिंग जार में हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको शेक करके सारा पानी निकाल लेंगे। अब इस चटनी के टेस्ट को इन्हांस करने के लिए हमने इसके अंदर डालना है 1 छोटा चम्मच भुना ज़ीरा पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच है काला नमक और 1/2 चम्मच ही हम इसमें डालेंगे सफ़ेद नमक, ठीक है। इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इस कचालू में आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 3 बड़ा चम्मच, ठीक है। और साथ ही में हमने इसके अंदर डालना है ये 1/3 टीस्पून सफ़ेद नमक और 1/3 टीस्पून हम इसमें डालेंगे काला नमक और 1/2 छोटा चम्मच जाएगा भुना ज़ीरा पाउडर। ये सारे हम वापस से इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि अब जो हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं वो आलू के अकॉर्डिंग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और पहले जो हमने चटनी में डाला था वो चटनी के टेस्ट को इन्हांस करने के लिए डाला था। अब हमने इसके अंदर डाल देना है फ्रेश धनिया के पत्ते जिसको बारीक कट किया हुआ है। अब सिंपली आपने इन सारी चीज़ों को करना है अच्छे से मिक्स और यहाँ पर हमारा कचालू चाट बन के रेडी है। मिनटों में बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही ईजी इसको बनाना। आप भी एक बार इस तरीके से कचालू चाट ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो और रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।